गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू। आज हम मॉरल वैल्यू की वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आपकी पहली वर्कशीट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। पहला है द नेम ऑफ टू माइस वर स्नोबेल, एंड जो टू माइस वाला चैप्टर है उसमें स्नोबेल के साथ कौन था, स्टुअर्ट। स्टुअर्ट पे आप टिक करेंगे। सेकेंड है फिलिंग द ब्लैंक्स, कैप जंपिंग एज हार्ड एज ही कुड, किसने हार्ड जंपिंग करी थी तो वो कौन था, स्टुअर्ट। थर्ड है संतर सो एन ओल्ड मैन हु वाज वेरी, संतर को जो ओल्ड मैन दिखाई दिया था वो कैसा था, भूखा था या प्यासा था, तो आपको बताना है भूखा यानी कि हंगरी, कैसा था वो, हंगरी। फोर्थ है संतर बिलोंग टू ए फिलिंग द ब्लैंक फैमिली, संतर कैसी फैमिली से बिलोंग करता था, इस पे आप टिक करेंगे पुअर मतलब गरीब फैमिली से। फिफ्थ नंबर का है डंकीज फिलिंग द ब्लैंक्स कम टू मीट हिम, वो डंकी था उससे मिलने के लिए कौन आया था, आपको इसमें सही ऑप्शन आंसर बताना है। आपके पास ऑप्शन है फादर ब्रदर एंड कजन, तो डंकी से मिलने उसका कजन आया था, आप कजन पे टिक करेंगे। अब सिक्स नंबर है डंकी वर्क फॉर ए, डंकी किसके लिए वर्क करता था, तो आपको टिक करना है पॉटर, पॉटर मींस कुमार, कुमार के लिए वर्क करता था वो। सेवन है देयर वाज एन इंटेलिजेंट एंड इन द लैंड ओल्ड वुमेन इन दैट विलेज, विलेज में जो लेडीज रहती थी, जो वुमेन रहती थी वो इंटेलिजेंट के साथ क्या थी, बोल्ड, क्या थी, बोल्ड। बोल्ड पे आप टिक करेंगे। एट नंबर का है द मंकीज फाउंड द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द बेल वेरी इंटरेस्टिंग, बेल से क्या इंटरेस्टिंग हो गया था, जो बेल मिली थी मंकी को उससे क्या इंटरेस्टिंग हो गया था, तो क्या हो गया था, जंगल, जंगल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था, आप जंगल पे टिक करेंगे। ये फर्स्ट वर्कशीट को आप अपनी कॉपी में नोट